प्रेम प्रताप सिंह। गुड मॉर्निंग बड़े भैया। ये टाइम तो जिम का है, तुम क्या कर रहे थे? घर में हमेशा एसी चलता रहता है ना, तो ताजी हवा के लिए पार्क में गया था। कितने राउंड लगाए? वहाँ दौड़ने नहीं गया था भाई, नाश्ता करने गया था। वहाँ जानते हैं कौन मिला? जब जलेबी ली तो अमित जी मिले, जब कचौड़ी ली तो अभिषेक जी, और जब मिल्कशेक लिया तो उनकी बेबी। क्या बात है प्रेम, तुम तो तीन जनरेशन से मिल लिए हो, अब आगे मत बताना। इतना झूठ मत बोलो, अमिताभ बच्चन किसी प्रोग्राम के लिए अमेरिका गए हैं। अभिषेक बच्चन तो शूटिंग के लिए यूरोप गए हैं। और आराध्या अपनी माँ के साथ कांस गई है। मतलब सब जया जी को अकेला छोड़ गए, घर में चोर घुस आए तो? तुम उनके घर की चिंता मत करो, अपनी बताओ वजन कितना है? 62। ये तो होना चाहिए पापा, असली वजन कितना है वो बताइए। 102। कोलेस्ट्रॉल कितना है? वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रेम प्रताप सिंह, सिर्फ गर्दन झुका कर बताओ कि तुम्हारे पैंट की जिप कहाँ तक खुली है। मुश्किल है भैया, नहीं देख सकता। कितने दिनों से? ज्यादा नहीं, 10 सालों से। शट अप! हमारा होने वाला दामाद तुम्हारी ही शिकायतें करता रहता है, उसकी पूरी टीम में तुम ही फालतू आदमी हो। शर्म करो, सब तुम्हारी बुराई करते हैं। कैसे इंसान हो तुम, कोई फीलिंग नहीं है तुम में? आई एम फीलिंग हंग्री। व्हाट? मेरा दूसरा ब्रेकफास्ट खा लूं? और कोई काम नहीं है क्या खाने के अलावा? पुलिस ऑफिसर तन के रहता है एक भरी हुई बंदूक की तरह, तुम भरी हुई बोरी, भरी हुई ट्रक की तरह। मैं नॉर्मल हूँ। शट अप! गलती भी करते हो और गुस्सा भी करते हो। यूजलेस फेलो, शेमलेस फेलो, होपलेस फेलो, हार्टलेस फेलो, कचरे का डिब्बा। माँ। भैया। मर गया तुम्हारा भैया, ऐसे ढीले आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? ये तुम्हारा पति कहीं वॉचमैन की नौकरी नहीं कर सकता, उसे मैंने पुलिस में डाल दिया, पूरा डिपार्टमेंट गालियां दे रहा है। पुलिस की नौकरी के लायक नहीं है ये, 10 मीटर दौड़कर धुआं निकल जाता है इसका। वो तो मेरे इन्फ्लुएंस से नौकरी मिल गई इसे। अब जरा मुंह तो देखो इसका, बंदर की तरह लटका हुआ है, पूरी बॉडी में झूठ भरा हुआ है, भूख मरा, हरामखोर, मोटा कहीं का, चटोरा, आलसी, गधा कहीं का, ये नहीं सुधरने वाला। ले जाओ इसको मेरे सामने से। लोग गोली से मरते हैं, मैं गाली से मर जाऊंगा। प्रेम प्रताप सिंह, जितना झूठ बोला है उसे पसीने से धो डालो, बंटी साथ रहेगा। बाहर जाकर नॉनस्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर लगाओ। गिरी सर, काउंट करना। यस सर। नॉनस्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर? मैं कोई मुंबई पुणे बस हूँ क्या? मत मारी गई थी मेरी जो तुझसे शादी करके इस घर का दामाद बना। करेक्ट है बॉस, अगर हमारे दामाद नहीं होते तो कहीं भीख मांग रहे होते। इस तरह घूरने से अच्छा है परिवार के नियम को मान क्यों नहीं लेते। तो क्या तुम्हारी फैमिली राजाओं के नियमों को मानती है? सरनेम क्या है? शर्मा। इसका मतलब कि तुम लोग शर्माते हुए खानदान के हो, सबके सब भीगी बिल्ली हो। आखिर वो मेरी हाइट और मेरा वेट क्यों पूछ रहा है? मुझे सर पे उठा के नाचेगा क्या? इसकी वाट लगा दूंगा। ओजी, मेरे भाई को गाली क्यों दे रहे हो? ओहो, मैंने दी तो नाराज हो गई, जब उसने दी तो? मैंने रोका तो था। रोका? गाली कंप्लीट होने के बाद? ये उल्लू का पट्टा बाप की इज्जत उतरते हुए देखकर हंस रहा था, वो तो सांड की तरह सींग घुसेड़ कर चला गया। मैं जानता हूँ तू चाहती है कि मेरी हमेशा सबके सामने बेइज्जती हो, मैं पति हूँ या गधा? प्रताप सिंह, बड़े भैया, चक्कर लगाने की जगह पंचायत हो रही है। वो क्या है बड़े भैया, पुलिस वाला कैसा होना चाहिए ये सबको बता रहा था। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, पहले एक अच्छा ऑफिसर बन के दिखाओ।